नमस्कार। तो बोथ हैंड्स कॉम्बिनेशन की जो एक्सरसाइज है उसका ये दूसरा पार्ट है ना, जिसमें हम लेफ्ट हैंड में जो पावर कॉर्ड था वो बजा रहे थे और राइट हैंड में जो भी की थी उससे स्केल बजा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में एक छोटा सा पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद में राइट हैंड में सेम ही वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, तो पैटर्न भी कौन सा रहेगा, 1 5 8 का। ये सबसे कॉमन पैटर्न है और सबसे पहले यही सिखाया जाता है। ठीक है, 1 5 8 5, 1 5 8 5 ये पैटर्न रहेगा। और 1 5 8 5 का आप पता कैसे करेंगे, सी जी सी ये है। ठीक है, सेम फिंगरिंग पोजीशन को आप अगले स्केल पे शिफ्ट कर दीजिए, अगले नोट पे, तो आपका वही का वही हो जाता है। मतलब आप इसको याद रखिए किस तरीके से, फिंगरिंग से, है ना। आप हाथ को फैलाएंगे जब तो आपकी फिफ्थ फिंगर सी पे आएगी, तो जो सेकंड फिंगर है वो अपने आप जी पर आ जाएगी और जो फर्स्ट फिंगर है वो अपने आप अपर सी पर आ जाएगी, है ना। और जी नोट जो है वो सी का परफेक्ट फिफ्थ है। परफेक्ट फिफ्थ मतलब सी से अपन चलते हैं तो सीधा फिफ्थ नंबर पे आता है, C1 D2 E3 F4 और G5, ये फिफ्थ नंबर पे है इसीलिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये थोड़ी सी थ्योरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो राइट हैंड में काफी कम स्पीड हो गई, बराबर रखते हैं। स्पीड बढ़ाते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। इससे जो जस्ट पहले वाली जो एक्सरसाइज आपने की है वही है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि लेफ्ट हैंड में हमारा पैटर्न भी चलने लगा है। ठीक है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे हाथों का एक कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, और स्पीड में धीरे धीरे से लेकर के इसको काफी स्पीड में जितना आप ले जा सके उतना ले जाइए। ठीक है, जैसे thank you.
इसी के अंदर आप चाहें तो और वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट की स्पीड जो है वो आपने आधी रखी, राइट की स्पीड आपने डबल रखी, जैसे सॉरी वो तो एक्चुअली पहले से वैसा ही चल रहा था। एक मिनट, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब यही है, यही मेरा कहने का मतलब है कि आप लेफ्ट की स्पीड को आधी कीजिए, इसको डबल कीजिए, इसको डबल कीजिए, इसको आधी कीजिए, अब अपना खुद ही आप वेरिएशन कर करके आप खेल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें बस इतना है, आप ये कीजिए और इससे बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉर्ड को लीजिए आप सी ई जी, तो सी ई जी ई, ये पहले भी मैं बता चुका हूं है ना, और इसमें भी शिफ्ट इसी तरीके से कीजिए। इससे कुछ और एडवांस लेवल करने की कोशिश करेंगे।